धोखे में डाला और वसवसा दिलाते हुए दोनों को अल्लाह रब्बुल रब्लम की नाफरमानी पर आमादा किया और दोनों को सही रास्ते से भटका दिया अल्लाह रब्बुल रब्लम ने फरमाया क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था उस दरख्त के चखने से और क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है इस बात पर आदम और हव्वा को बड़ी नदामत हुई लेकिन उस वक्त नदामत और शर्मिंदगी से क्या फ़ायदा जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को पहले से तस्लीम न किया और शैतानी वसुसे में खुद को फेंकते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके गुस्से को मोल लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम और का जिक्र कुछ यूं बयान फरमाया है अल्लाह फरमाता है वासा फगवा कि आदम ने अपने रब की नाफरमानी की मासीत की और वो बहक गए सु मजतबा हो रब्बू फताहब आलही फिर अल्लाह रब्बालमीन ने उनका इंतखब किया और उन्हें माफ फरमा दिया और उनको सही रास्ते की तरफ हिदायत दी सही रास्ते की जानब उनकी रहनुमाई फरमाई दरअसल ये बहुत बड़ा वसवसा था जो शैतान ने आदम के दिलों में डाला रबीन ने फरमाया कि शैतान आदम और आदमोह से कुछ यूं गोया हुआ हल्दुल्लु काला शजर खुलद व मुल्क आदम क्या मैं तुम्हारी शजर खुल्द की तरफ रहनुमाई कर दूं और एक ऐसी बादशाहत की तरफ जो कभी खत्म होने वाली नहीं है अब बताइए आप इतने बड़े बड़े वसवसे उसने आदम हवा के दिलों में डाले कि जिसकी वजह से ये सीधे साधे उसकी बेहुदा बात में आ गए और नतीजा ये हुआ कि दोनों अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे बाज अहलेम ने जिक्र किया है कि सबसे पहले दरख्त का फल हवा ने चखा शैतान की बात मानते हुए फिर हवा ने आदम अलसलात सलाम को उभारा कि वो भी दरख्त के फल को चखें और इस तरह दोनों ने अल्लाह रबालमीन ला की मासीियत की अल्लाह रबालमीन ला की नाफरमानी की अल्लाह रबालमीन ला फरमाता है एह बित उतर जाओ बुम दिन आदू तुम में से बाद बास का दुश्मन है वाला कुम फिल अर्द मुस्तकर और तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना है वह मताहीन और एक मुद्दत तक सामान है एक मुद्दत तक मता हयात है ये अल्लाह रब्बुल रब्बालमीन ने क्लियर तौर पर वाज तौर पर आदम और और इबलीस से फरमा दिया एक दूसरी हाथ में अल्लाह रब्बुल रब्लम ने फरमाया कुल ना हमने कहा एह भी तू जमिया कि तुम सारे के सारे उतर जाओ मिनहा इस जन्नत से अहले इल्म ने हबूत के लफ्ज से यह इस्तिदलाल किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदमो हवा को जन्नत से जमीन की तरफ उतारा एक दूसरे कॉल के मुताबिक कि आदम और हवा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से आसमान दुनिया तक उतार दिया फिर आसमान दुनिया से जमीन तक उतारा लेकिन राजे कौल यही मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बारगी एक ही बार में सबको हुक्म दिया कि तुम अब यहां पर रहने के लायक नहीं हो अब तुम जमीन पर जाओ और मकसद भी अल्लाह रब्बुल रबीन का यही था और यही थी कि जिस हमत के पसे पड़ता अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने ये इरादा फरमाया था कि इंसानों के जरिया से अल्लाह रब्बुल रबालमीन इस रूए जमीन को आबाद करेगा और फिर मरहला वार अल्लाह रबालमीन नबियों रसूलों को अलग अलग कौम के इतवार से अलग अलग जगह के एतबार से अलग अलग जुबानों के इतवार से भेजता रहेगा जैसा कि अल्लाह ने खुद मुकद्दस में फरमायान अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी तरफ मेरी जानब से हिदायत आती रहेगी मेरी जानब से तुम्हारी रहनुमाई होती रहेगी जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की यानी मेरे रसूलों की बात मानी मेरे नबियों की बात मानी जो शरीयत के उलमा हैं जो इस्लामी शरीयत को फॉलो करते हैं इस्लामी शरीयत को बयान करते हैं उनकी बात मानी जो अंबिया के हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फला खौफिम वनून ना तो उन पर खौफ है और ना ही वो रंजीदा होंगे ना ही वो गमगीन होंगे उस दिन जिस दिन अल्लाह आलमीन सारे इंसानों को दोबारा तो जिंदा करेगा यानी बरोज कयामत अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सब को आदम और इबलीस को दुनिया में उतार दिया जमीन पर उतार दिया अहल इल्म का इस सिलसिले में इख्तिलाफ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस जगह उतारा पहला कौल हजरत आदम सलासलाम को देखना नामी एक जगह जो ताइफ और मक्का के दरमियान है वहां पर उतारा गया दूसरा कौल हसन बसरी रम्ला का है वह फरमाते हैं हज़रत आदम नजरतम हिंदुस्तान में उतरे वह होवादा और हव्वाद्दा जो ममलका अरबी जो सऊदी अरब के अंदर एक मशहूर शहर है जिद्दा जो तकरीबन मक्का से पचास से साठ किलोमीटर के दरमियान वाक है उस जगह उतारा और इबलीस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बसरा से चंद मील के फासले पर उतारा यानी इराक के अंदर एक तीसरा कौल भी मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम सलाम को सफा नामी पहाड़ी पर उतारा और हव्वा को मरवा नामी पहाड़ी पर उतारा जो बहुत मशहूर है कि जब हुज्जाज हज करने के लिए जाते हैं तो सफा और मरवा के दरमियान जो दौड़ते हैं सफा एक पहाड़ी का नाम है जहां से हजार या जो हैं हैमरह करने वाले हैं सई को शुरू करते हैं सफा से और मरवा पर खत्म कर देते हैं ये उसी दो पहाड़ियों का नाम है सफा और मरवा के सफा पर अल्लाह रबीन ने आदम सलाम को उतारा और मरवा पर को उतारा ये अहले इल्म के तीन कौल खूसी तौर पर हमने आपके सामने रखे हैं बयान किए हैं और अहले इल्म ने ये बातें कही हैं लेकिन वाकई क्या सच है क्या हकीकत है इस ताल्लुक से ना तो कुरान के अंदर कोई वाज नस हमें मिलती है और ना ही अहादीस मुबारक में हमें इस ताल्लुक से मजीद सराहत मिलती है अल्लाह रब्बुलमी इसके बारे में ज्यादा इल्म रखता है और ये कोई बहुत दकीक और बारीक बहस नहीं है कि जिसको बयान करना जरूरी है बस जो अहन ने बातें कही हैं, उसको हमने आपके सामने रखा है इसमें कोई ऐसी बड़ी मसलहत नहीं है कि अल्लाह रब्बुल अगर चाहता तो बयान कर देता लेकिन अल्लाह रबालमीन ने उसको बयान नहीं किया कि किस जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उतारा हां इतना जरूर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जन्नत से दुनिया यानी जमीन पर उतार दिया अब जाहिर सी बात है नए हैं अभी कुछ जानते भी नहीं हैं और उनको कोई तरीका भी नहीं आता है अब वो करें तो करें क्या अहले इल्म कहते हैं कि आलमीन ने हजरत अलैहिस्सलाम को भेजा अलैहिस्सलाम ने हजरत अलैहिस्सलाम को बहुत सारे पेशे सिखाए और सबसे पहले अलैहिस्सलाम को खेती बाड़ी करना सिखाया जबकि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि सबसे पहले आदम सलाम को कपड़ा सिलना सिखाया लेकिन यह इसलिए कहा जाता है चूंकि जन्नत में उन दोनों के लिबास को उतार लिया गया था और उनको जरूरत थी कि वो अपनी शर्मगाहों को छुपाएं और वो उसी हालत में जन्नत के इंजीर के पत्तों यानी इंजीर जो दरख्त है उसके पत्तों को अपनी शर्मगाहों पर ढापे हुए थे और उसी हालत में वो दुनिया के अंदर नाजिल हुए उतारे गए खैर अहले इल्म की चंद राय हैं जिसको मुफस्सरीन ने अपनी किताबों में जिक्र किया हुआ है हव्वा होवासलाम के ताल्लुक से एक सवाल ये उठता है कि क्या हव्वा हवासलाम ने जन्नत में हम बिस्तरी की जिमा किया कि नहीं किया अहले इल्म कहते हैं कि अब तक जन्नत के अंदर वह दोनों लिबास में थे और उन दोनों की शर्मगाहें जाहिर नहीं हुई थी लिहाजा इससे इस्तदलाल करते हुए अहले इल्म कहते हैं कि जन्नत से मुराद जन्नत आदन ही है अगर वह जन्नत आदन ना होती तो उनकी जाहिर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ना तो तुम जन्नत के अंदर भूखे रहोगे और ना ही तुम बरहना होगे यानी तुम उरियानियत के शिकार नहीं होगे ना ही तुम नंगे होगे ये अल्लाह आलमीन ने वाजह तौर पर बयान किया हुआ है तो आजम ने राज के मुताबिक जन्नत के अंदर जिम्ह नहीं किया था और उनके दरमियान ताल्लुक कायम नहीं हुए थे अहले अहिम कहते हैं कि उनके दरमियान जो ताल्लुक हुए वो उनकी शर्मगाहों को देखने के बाद आपस में एक दूसरे की शर्मगाह को देख लेने के बाद ताल्लुक उन दोनों के दरमियान कायम हुए और हजरत जबरीलम ने हवा को उभारा के वो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएं और फिर उसके बाद दोनों के ताल्लुकात हुए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को तरीका सिखलाया बहरहाल ये अहले इल्म ने अपनी तफासीर में जिक्र किया हुआ है अल्लाह हु आलम अब ताल्लुकात कायम हो जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको औलाद से नवाजा उसका क्या तरीका था आप जानते होंगे और आपने अहले इलम से इस बात को सुना भी होगा कि हजरत अलैहिस्सलाम के यहां हर डिलीवरी में हजरत हजरतम की जो डिलीवरी हुआ करती थी हर डिलीवरी में जुड़वा बच्चे पैदा हुआ करते थे उसका तरीका यह होता था कि एक लड़का और एक लड़की फिर दूसरे साल एक लड़का एक लड़की तीसरे साल एक लड़का एक लड़की यह तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त राइज किया उसका मकसद जमीन में इंसानियत को फैलाना था यह मकसद है और हजरत अलैहिस्सलाम और हवालाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को किन किन चीजों की जरूरत है इस ताल्लुक से तमाम तर तालीमात सिखला दी थी तमाम बातें सिखला दी थी जैसा कि अहल इल्म ने इसका जिक्र अपनी किताबों में किया हुआ है रही बात कि आदम सलातम ने तोबा कहां की और किस तरह की क्या वो तोबा आदम और ने जन्नत में की या फिर जमीन पर उतारे जाने के बाद इन्होंने तोबा की इस सिलसिले में भी अहले इल्म की दो राय है एक राय यह है कि आदम और हव्वा अलैहिम ने तौबा जन्नत में की है दूसरी राय यह है कि आदम और हव्वा अलैहिम ने तौबा जमीन पर उतारे जाने के बाद की है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात आदम अलैहिस्सलातु ने अपने रब से तोबा के कलिमात हासिल किए अल्लाह आलमीन ने उनको तोबा करने के कलिमात बतलाए उनको इल्हाम किया और फिर उन दोनों ने कहा रबना जलमना अनफुसना व तगफिर लना व तरहमना लना कून मिनल खासन दोनों ने कहा परवरदिगार अय हमारे रब हमने खुद पर जुल्म किया है अल्लाह अगर तू ना बख्शेगा तू हम पर रहम ना करेगा तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों की इस दुआ को कबूल फरमाया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को माफ फरमा दिया एक बहुत जबरदस्त फायदा और नसीहत हमें इस दुआ से यह मिलती है कि इंसान बशर आदमी हो या औरत अगर उससे किसी मासीत का इर्तिकाब हो जाए और उसको शर्मिंदगी हो नदामत हो तो ऐसी सूरत में उसे फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रजू करना चाहिए इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि अगर किसी से मासीत का इतकाब हो जाए नाफरमानी का इरतक हो जाए तो सबसे पहले उसे अल्लाह रब्बुल रबालमीन से तोबा करना चाहिए और तोबा करने के साथ साथ अल्लाह की राह में सदका करना चाहिए क्योंकि सदका खैरात करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है जिसकी वजह से अल्लाह सुबहाना वाल उसे माफ फरमा देता है यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे मुआरे की यह है कि हम गुनाह पे गुनाह करते हैं हम मासीत पे मासियत करते चले जाते हैं किस वजह से सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अब तो गुना हो गया अब कोई फायदा नहीं अब तोबा करेंगे तो शर्म आ रही है अब तोबा करेंगे तो हमें इस बात की शर्म है कि अल्लाह रब्बुल रब्बुलमीन हमें बख्शे या ना बख्शे जबकि उनको मालूम होना चाहिए रब्बुल रब्लम ने उनके वाले आदम जिन्होंने इतनी बड़ी गलती का इरतकब किया उसके बावजूद भी जब वो नादिम हुए जब वो शर्मिंदा हुए और उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो अल्लाह रबालमीन से माफ़ी तलब करेंगे अल्लाह रबालमीन से बख्शिश तलब करेंगे अल्लाह रबालमीन से माफी मांगेंगे तो अल्लाह सुबहाना तला से जब उन्होंने माफी मांगी अल्लाह रबालमीन ने उनके दिलों को देखा कि उनके दिल साफ सुथरे थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि उनकी तौबा में सदाकत पाई जाती थी उनकी तौबा सच्ची तौबा थी नसूह थी, ऐसी तौबा कि जिसके बाद उनके दिलों में किसी किस्म का कोई गुनाह करने का इर्तिकाब न पाया जाता था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों को बख्श दिया एक और फायदा कि आदमी सबसे पहले अगर वो किसी बुराई का इरतिकाब कर ले मासीत और गुनाह का इरतकाब कर ले तो अल्लाह रबुल आलमीन के सामने अपने गुनाह का जो उसने गुनाह किया है उसको बयान करे और तजल्लुल, खुशु खुजू इंकिसारी, आजजी के साथ गिड़गिड़ाते हुए वो इस तरह दुआ करे कि गोया के वो बहुत ही शर्मिंदा है बहुत ही नादिम है अपनी गलती पर अपनी खता पर ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुद को माफ करा सके एक दूसरी चीज अंबियातम की दुआओं का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए रबना ऐ हमारे रब जलम ना अनफुसाना हमने खुद पर जुल्म किया है अपने नफ्स पर जुल्म किया है मालूम यह हुआ कि अगर कोई शख्स किसी गुनाह का इरतकाब करता है तो वो खुद पर जुल्म करता है वो खुद पर ज्यादती करता है किसी दूसरे पर ज्यादती नहीं करता है मिसाल के तौर पर कोई शख्स जालिम है किसी ने दूसरे पर जुल्म किया है तो हकीकत में वो दूसरे पर जुल्म नहीं करता है वो बजाते खुद अपने नफ्स पर जुल्म करता है क्योंकि ये मासीत है और मासीत का इर्तिकाब ही अपने नफ्स पर जुल्म करना है और ऐसी सूरत में इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बिल्कुल बहुत तेजी के साथ रुजू करना चाहिए और अहले इल्म फरमाते हैं कि अल्लाह आलमीन ऐसी तौबा को कबूल फरमाता है जिस तौबा में सदाकत हो सच्चाई हो नदामत हो शर्मिंदगी हो और साथ ही साथ गुनाह न करने का अज्म हो पुख्ता इरादा हो अल्लाह रब्बुल रबुलमी ऐसी तौबा को बहुत जल्द कबूल फरमाता है और यही वजह थी कि अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने आदम की तौबा को कबूल किया और उनको माफ फरमाया बल्कि अगर बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा तो कबूल करता ही है माफ तो करता ही है लेकिन साथ ही साथ अगर उसके मन में किसी किस्म की खोट नहीं है उसका मन सच्चा है उसका दिल सच्चा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सही रास्ते की तरफ रहनुमाई भी फरमा देता है फिर अल्लाह ने यानी उनके रब ने आदम के रब ने आदम सलातम का इंतखाब किया उनको इख्तियार कर लिया उनको पसंद फरमाया माफ भी किया और अल्लाह रब्बुल ने फिर उनको हिदायत दी अलैहि मशतबा रहीदा फिर अल्लाह रब्बुल ने उनकी रहनुमाई की उनको हिदायत दी नाजरीन चूंकि वक्त हमारा खत्म हो चुका है इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम आपके सामने जिक्र करेंगे आदम अलहसलातम की वफात के ताल्लुक से इसी तरह आदम के उन दो बेटों का तस्करा के जिन्होंने आपस में कुरबानिया पेश की और हम ये जिक्र करेंगे कि अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने कौन से बेटे की कुर्बानी को कबूल किया तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं असल वरम ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें